आती है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के मोर्चे पर भी इस कानून को लेकर एक तीखी बहस छिड़ी हुई है। यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू में इस कानून पर चर्चा के लिए प्रस्ताव आया जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस वैश्विक संगठन के अलावा भी मलेशिया, तुर्की समेत कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। वहीं अमेरिका, फ्रांस जैसे बड़े देशों ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की आड़ में चीन सरकार ने एक रणनीतिक फैसला लिया है। चीन सरकार ने तिब्बत में स्थित बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के आधिकारिक निवास कोटाला पैलेस को आज से अनिश्चित काल तक के लिए बंद कर दिया है। चीन का कहना है कि खतरनाक कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कोटाला महल को बंद किया गया है। कोटाला पैलेस बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। चीन सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि कोटाला पैलेस को कब तक बंद रखा जाएगा। सिंध प्रांत के छात्रो शहर के थारपारकर इलाके में कुछ अज्ञात कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर पर हमला किया, मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया। कट्टरपंथियों ने वहां की माता रानी भटियाली की मूर्ति भी तोड़ दी। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब सिंध से एक के बाद एक लगातार हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की खबरें सामने आ रही। हिंदू समुदाय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से गुहार लगाई कि ऐसे मामलों पर इमरान खान संज्ञान ले और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करे। एयर इंडिया यानी कि एयर इंडिया इन्वेस्टमेंट को बेचने की तैयारी शुरू हो गई है। मोदी सरकार ने सोमवार को प्रारंभिक जानकारी वाला मेमोरेंडम जारी कर दिया। सरकार के इस प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी खड़े हो गए हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट के जरिए फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह सौदा पूरी तरह से देश विरोधी है और मुझे वोट जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम परिवार की बेशकीमती चीज को नहीं बेच सकते। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी एयर इंडिया को बेचने की सरकार की योजना से नाराजगी जता चुके हैं। माना जा रहा है कि केंद्र के इस फैसले को लेकर राजनीतिक और कानूनी अड़चन पैदा हो सकती है। दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे कोबी ब्रायंट की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। कोबी ब्रायंट की गिनती बास्केटबॉल की दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में होती थी। उनके निधन से प्रशंसकों में भारी शोक की लहर है। कोबी ब्रायंट जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वह क्रैश हो गया। 41 वर्षीय कोबी ब्रायंट के साथ इस हेलीकॉप्टर में अन्य 4 लोग भी सवार थे। दावा किया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में उनकी 13 वर्षीय बेटी भी सवार थी। चलिए फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ ONN News पर। नमस्कार।